युवाओं के लिए बेहद खेद, दरअसल बेहद अहम खबर यह है। नए साल से गहलोत सरकार भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए साल से 20 से ज्यादा विभागों की एक ही परीक्षा से भर्ती की जाएगी। जी हां, युवाओं को अलग अलग विभागों में होने वाली भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा या आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नए साल से सभी विभागों की परीक्षा एक साथ लेने जा रही है। ऐसे में समान पात्रता परीक्षा नाम दिया गया है। सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए ना तो अलग आवेदन करने की जरूरत होगी और ना ही अलग परीक्षा देने जरूरत होगी। अभ्यर्थी को सभी गैर तकनीकी पदों के लिए एक ही बार आवेदन करना पड़ेगा। कार्मिक विभाग से यह प्रस्ताव तैयार होकर विधि विभाग के पास पहुंचा। विधि विभाग की अनुशंसा के साथ अब यह फाइल वित्त विभाग के पास पहुंच गई है। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन RSSB की ओर से करवाया जाएगा। परीक्षा एक चरण में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित होगी और परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 साल रहेगी और परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। भारत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस पूरे जानकारी के साथ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी मांग की जा रही थी भारत बहुत पहले से और सरकार ने कमिटमेंट किया था, आज वो धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की मांग की जा रही थी और अब सरकार ने इसका लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसके बाद में इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि विभिन्न एग्जाम होते हैं और गैर तकनीकी जो पद है उसके लिए एक कॉमन सा एग्जाम हो जाएगा और जिसके लिए उसकी 3 साल तक वो उसका एग्जाम मान्य होगी। उसके बाद में जितने भी साल उसमें कोई क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखा गया, एज कैटेगरी उसमें रहेगी। उसके बाद में विद्यार्थी जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो वो सभी के लिए मान्य रहेगी। जो उसमें विभिन्न एग्जाम्स होंगे उसके लिए वो एग्जाम मान्य रहेगी। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। इस पैटर्न से अगर एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद भर्तियां की जाती हैं तो क्या राजस्थान में एक बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी की संभावना खुल जाएगी? निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार में आसानी होगी और 20 से ज्यादा विभाग ऐसे हैं जिनमें इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अलग अलग आवेदन से उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि हर एग्जाम के लिए छात्रों को, बेरोजगार जो अभ्यर्थी है उनको अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। सही आपने कहा, ये कॉमन हो जाएगा, सबको एक ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए।